नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांग जनों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर हाथी बड़कला चौकी के समीप रोका। दिव्यांग जनों ने की नारेबाजी। बैरिकेडिंग के समीप दिव्यांग जनों का धरना जारी। प्रत्येक माह पेंशन दिए जाने, स्वरोजगार हेतु बिना ब्याज के 1 लाख रुपए का ऋण। दिव्यांग पेंशन धारकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। राज्य में सरकारी और गैर सरकारी विभागों में रिक्त चतुर पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिए जाने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। आज दिव्यांग दिवस है और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं। वार्ता भी हो चुकी है सभी अधिकारियों से। आज जब देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने दिव्यांग दिवस पे काला दिवस मनाने का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुद्दा है पेंशन, आपका रोजगार, शिक्षा, कोई भी जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर सरकार ने अब तक किसी भी दिव्यांग को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पेंशन से अलावा, वो भी 4 महीने में 6 महीने में मिलती है। उस 1200 रुपये में क्या ये लोग अपना परिवार पाल लेंगे? रोजगार की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम से लोगों को 20% आरक्षण है, खोखा फड़ में वो भी नहीं दिया जा रहा है। आपका बैकलॉग भर्ती का तहत जो कोटा है, समूह गए कह कह गए, कोई भर्ती नहीं निकली है 2005 से इनकी, तो कहाँ से इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? सुगम्य भारत अभियान की बात करते हैं, बजट सब कागजों में खप रहा है, कहीं पे उनके लिए समतल व्यवस्था नहीं है ऐसी। समाज कल्याण की व्यवस्था देखो तो वहाँ पे तक पानी नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ और बातें करते हैं बड़ी बड़ी सुगम्य भारत अभियान, जब समाज कल्याण उस व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहा है तो अन्य विभाग कैसे करेंगे उस पर कार्रवाई? खोखा आवंटित करने वाली क्या बात कर रहे हैं आप? खोखा जो ये नगर निगम का जो क्षेत्र है, जहाँ मंडी है, वेंडर जोन है, इसमें पूर्व सरकार जो थी कांग्रेस की, उन्होंने हमारे लिए 20% का आरक्षण रखा था हमारी मांग के अनुसार, कि आपको जो है ठेली फड़ लगाने के लिए 20% आरक्षण जो है चिन्हित किया जाएगा। लेकिन 6 नंबर पुलिया पर 1,08,000 के खोखे बना के जो है दूसरे लोगों को दे दिए गए हैं और हमारा वहाँ पर 20% का नाम नहीं है किसी भी दिव्यांग को। हम तो ये कहें मत दो खोखे, हमें नीचे जगह दे दो बैठने के लिए, हम वहीं पे अपना गुजारा कर लेंगे। हम यहाँ पे आज तब तक नहीं हटेंगे, क्योंकि आज दिव्यांग दिवस है, जब तक मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलता है। आज दिन है हमारा और आज हम ये ले के रहेंगे, क्योंकि हम बार बार नहीं सड़कों पर ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाधान। अब तो सरकार भी जाने वाली, 13 महीने कुल बचे हैं, एंड में कुछ तो कर दो। फिल्म का तो एंड ही होता है मेन, शुरुआत का तो पता नहीं लगता, पिक्चर का जब खत्म होती तब पता लगता है कहानी क्या है।